हाय गाइस, तो आज मैं लगाने वाली हूँ राजमा और इसे हमारी लोकल मसाला फैमिली बोलते हैं। अभी तो इसका सीजन नहीं है, बट हमने सोचा कि कहते मेरे एक तो फिर बाहर कहते हैं बीज फूल आए हुए हैं, तो मैंने सोचा इनको लगा के ट्राई करती हूँ। सबको बहुत तो मिलना चाहिए
है और मैं कुछ गार्डनिंग की वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आज मैं आपको कुछ प्लांट दिखा रही हूँ जो मैंने वेस्ट डब्बे कंटेनर्स थे मेरे पास पेल्ट, उनमें मैंने उगाए हुए हैं। और अभी मुझे ज्यादा गार्डनिंग की कोई नॉलेज नहीं है, मैं भी सीख रही हूँ और एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो प्लीज आप मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और मैंने क्या कहते हैं बहुत सारे प्लांट अपने वेस्ट डब्बों में उगा रखे हैं क्रेट्स में, और मुझे बताइए वो कैसे ग्रो हो रहे हैं प्लीज। और क्या कहते हैं मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक यू गाइस।
एलोवेरा घर पे जरूर उगाइए, ये काफी चीजों के लिए यूज होता है, प्लांट काफी अच्छा होता है। तो इसमें ज्यादा पानी यूज नहीं होता, बस आप ये खुद ही पानी छोड़ता है, थोड़ा थोड़ा पानी भर दे इसको। मेरे पास अभी कुछ और लगाने के लिए मैं रखूँ, इन्हें मैं लगाने के लिए और इन्हें मैं रख देती हूँ पानी में। तो गाइस आज हम बना रहे हैं भटके डुबके, और ये भट हमने रात को भिगो दिए थे, और जो काले वाले होते हैं इन्हें भट बोलते हैं, जो व्हाइट वाले होते हैं इन्हें सोयाबीन बोलते हैं। तो ये हमने रात को भिगो के रखे थे, और अब हम इन्हें पीसते हैं बट्टे में। एक्चुअली हमारे घर पे मिक्सी मशीन नहीं है, तो हमने भर को सिलबट्टे में रख लिए हैं, और मेरी छोटी बहन भूमिका इन्हें पीस ली है। तो हमने भर को पीस के ट्रे में रख लिए हैं, और अब प्याज और टमाटर काटेंगे इसमें डालने के लिए। और इसमें डालने के लिए हरी धनिया और लहसुन के पत्ते और हरी मिर्ची में भी भूमिका पीसती है। और हमारी आग जल गई है, और इसमें प्याज फ्राई कर दिया है, थोड़ा सा हल्का ज्यादा भून दिया है, और ये उसके बाद उसमें भट डाल दिए थे, और ये हमारे मसाले, और फिर भट, और ये रेडी हो गया।